वेलकम बैक, खुशामदीद सर, हम फिर आ गए। देखें ब्रेक के दौरान में सवाल मेरे ज़हन में, सर अगर आपको एक सेक्रेटरी रखने की इजाजत दी जाए तो पाकिस्तान इंडस्ट्री से कौन सी खातून चुनेंगे अपनी सेक्रेटरी के लिए? कि जो सेक्रेटरी भी हो इंडस्ट्री से ही क्यों, चलो कोई भी बॉलीवुड नॉलेज जो सेक्रेटरी भी हो और जो है ना वो आपके सारे ऑफिस के काम जो है ना सबको ज़हन में रखे, मतलब बात को कहीं और तरफ में ले जाइएगा। हालांकि जो आप समझ रहे हो सही है, आप जो समझ रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, लेकिन उसको जरा क्लियर करके बताइए, इसको क्रिस्पी करके, किस तरह का सेक्रेटरी रखना चाहेंगे आप? एक सवाल है जनरल। ऑन अ लाइटर नोट, आपने साथ बिठा दिया है। अरे अच्छा जी अली, अब आप बताइए। जिया करे धक धक, जिया करे तो धक धक, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सीपीएल से आपको ऑफर हुई है। हाँ, आप अगर चोरों को पकड़ना है और आप देखिए आप खोज लगा रही हैं, कैसा सोचे है? चोर सोचेगा कि जिया चोर फिर मिस कॉल मार रहा है। मैडम कब से मिस कॉल कर रहा हूँ, आ नहीं रही, क्या ख्याल है सर? आपके हाथ से सारे मुजरिम निकल गए, सारे मुजरिम जिया ने पकड़ लिए, फिर आप इनके सेक्रेटरी बने हैं, ये सीपीएल की बनी है दिमाग की अच्छी ना हो, याद ना रहे, सब भूल जाती हो। उसका खासा तजर्बा मुझे है। अच्छा है। हाँ, और वो तजर्बा यही है कि जो मेरे दिमाग को जो है वो रीड कर सके, आपके दिमाग को रीड कर दे सर। मैं ये क्या तो चाहता हूं? अच्छी बात, किसी को तो रीड कर लेगी, फिर किसी को बता देगी। मुश्किल में डालना है जरा कि आपके दिमाग को रीड कर ले। चलो ये तो अच्छी बात है, आपने सीरियस जवाब दिया, हमने उसे मजाक में लिया, लेकिन जवाब अच्छा था आपका। टेंशन जी, फ्यूचर में आप क्या देखती है अपने आप को, शादी वादी ये बताएं ना कुछ, ताकि हम अगला सेगमेंट खेलें फ्यूचर लीग। मैं तो फ्यूचर में एक टीवी सीरियल कर रही हूँ आप ही के चैनल के लिए। इंशाल्लाह, तो वो है मेरा फ्यूचर फिलहाल। तो उसका नाम है ड्रामा ड्रामा ना मर जाए, ड्रामा ना मर जाए। वाह वाह वाह, ये ड्रामा ना मर जाए, नाम अच्छा है, ड्रामा ना मर जाए। क्या ये क्या बंदा डायरेक्टर भले मर जाए शूटिंग कर करके। हाँ, जो आजकल जितने सोप टाइप बन रहे हैं उसमें तो यही होता है। ड्रामा तो यही है ना, ड्रामा तो हमेशा जिंदा है सर। एक हाँ, एक दिन डायरेक्टर 40-40-80-80 सीन कर रहा था, घर जाके अलग सीन कर रहा था। आजकल बेहतर हो गए हैं हालात से, जब से हमें कंपटीशन टफ मिला इंटरनेशनली, समझ आ गई है कि क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन उम्मीद तो है कि फ्यूचर में और अच्छे से अच्छे हम ड्रामे बनाएंगे। लेकिन हमारा जो अगला सेगमेंट, उसका नाम है फ्यूचर लीग। फ्यूचर में सर आप क्या देखते हैं कि ये जो सीपीएलसी जो इतना काम कर रहा है, तो हमारे चोरों का क्या फ्यूचर है, जो मोबाइल चोर हैं, इनकी भी तो रोजी रोटी लगी हुई है ना, उनके लिए हम खतरे का पैगाम है और रहेंगे इंशाल्लाह। वो कर इंशाल्लाह। आगे कर पाएंगे ये चोरियां, नहीं कर पाएंगे ये बताएं। देखिए बात ये है कि चोरियां तो ज़रूर कर पाएंगे, चोरियां तो पूरा बहुत बड़ा ग्रोह है, बहुत बड़े लोग हैं, और जब 1000 के करीब मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या छिलता है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दुनिया से इस क्राइम को दबा दो। और न सिर्फ कराची बल्कि दुनिया के महज़ब तरीन ममालिक में भी ये क्राइम है, उस मैग्नीट्यूड का नहीं है जितना कराची में नहीं है, यहाँ ज़्यादा हो गया। तो हम उस मैग्नीट्यूड को ज़रूर कम कर पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जुर्म होते रहेंगे और जुर्म के खिलाफ सरको भी जो है वो भी चलती रहेगी इंशाल्लाह। यानी कि आपके रहते हुए और सीपीएलसी के रहते हुए कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई फ्यूचर नहीं है, यानी कोई बंदा इसमें आने की कोशिश ना करे, मैं बता रहा हूँ सख्ती से। बिल्कुल, तीन दफा मेरा भी मोबाइल छीना है। अच्छा जिया, ये बताएं कि हमारे ड्रामे का फ्यूचर क्या है, ये बताएं, फिर एक और फ्यूचर आपसे पूछूंगा। बेहतर ही है अब, डेफिनेटली फिल्म्स भी हैं कंपटीशन में इस वक्त, फिल्म्स भी बहुत सारी आ रही हैं। सो और इस ड्रामा जो हम लोगों ने किया है, इसमें मैं जयाली हूँ और मैं अपना ही रोल कर रही हूँ। अच्छा, एज एन फिल्म स्टार। ये क्या होता है, बिल्कुल जब सब कुछ आप कर लेते हैं आखिर में आके फिर अपने ही कैरेक्टर कर रहे होते हैं, ये जरूर होता है। मैंने नहीं अभी तक बहुत किया, शुरू में कर लेते हैं। मैंने अभी तक नहीं किया था, फिर मोहम्मद राना साथ में कास्ट में हैं, सो डेफिनेटली वो उनको लगा के एज एन अ कपल वी आर फेमस, सो इस तरह से। और जो हम लोग सेट्स के बिहाइंड द सीन प्रोबेबली जो एक होता है। अच्छा, मोहम्मद राना तो अपना ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं कर रहे ना, वो भी ओरिजिनल कर रहे हैं, वो भी ओरिजिनल। अच्छा, वो भी मोहम्मद राना, स्टोरी का बेस मेरे ख्याल में उसी में यार। चले भाई, हमारी दुआ आपके साथ है कि ये ड्रामा ना मर जाए, और ड्रामा मरना नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्रामा हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत है और एंटरटेनमेंट है एक तरह की, तो जाहिर सी बात है जब लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है,
हम लोगों के लिए डेफिनेटली टॉक शोज हैं या मॉर्निंग शोज हैं, वो भी एक इंटरटेनमेंट है, लेकिन ड्रामा की इंटरटेनमेंट जो है उसकी एक अपनी खासियत है और स्पेशली पाकिस्तान की ये पहचान है। सर आप ड्रामे वगैरह देखते हैं, फिल्में देखते हैं? बहुत कम, मतलब बहुत कम, बड़ी देर, थोड़ी सुबह देख ली, थोड़ी दोपहर को देख लिया, 5 मिनट रात में एंड किसी से पूछ लिया, 5 मिनट की फिल्में देख, दो दो मिनट सबकी जोड़ के ले कर लिया, ये अच्छी बात। चले जी, इस तरह भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, हर बंदे का अपना मूड होता है। और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जाने से पहले हम एक गाना सुनेंगे। हमारे पास हमेशा एक न्यू टैलेंट मौजूद होता है। पहले तो अकबर तैमूरी साहब थे, वो तो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो हमारे शो में अभी गा के गए आपके सामने, लेकिन अब एक न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। पहली दफा ये स्क्रीन पे आए, पहली दफा स्क्रीन पे गा रहे हैं, और हमारे साथी हैं, हमारे साथी होते हैं यहाँ पर, जुल्फिकार अली राजा इनका नाम है, जुल्फिकार आज हो जाए स्क्रीन पे आए और पहली दफा में आप छा गए, माशाल्लाह आप खुश रहे इसी तरह गाते रहे। जी आप खो गई थी इनके गाने में, बहुत अच्छा। जी बताएं ना, पहली दफा एक परफॉर्मेंस किसी शो में, सिंगर हैं ये? नहीं नहीं, ये घरेलू सिंगर, घर में बाजा रखा हुआ है। प्रोफेशनली सीखा हुआ आपने? डेफिनेटली सीखा हुआ तो है आपने, नहीं पूछे नहीं, कहीं से सीखा नहीं है इन्होंने, कहीं से नहीं सीखा, ये बस देख देख के ऐसे ही होता है ना कि बंदा अपनी मगन में जा रहा है, गाना चल रहा है उसके साथ, गाता हुआ जा रहा है। बताए ना जुल्फिकार, कुछ
माइक लें, कुछ बताएं ना मैम को, कैसे आपने ये किस तरह से सीखा? किसी से सीखा हुआ नहीं है, बस यही नाथ खानी और मनकबत खानी और मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र, कुदरती है हमारे मुल्क में, ब्यूटीफुल। चले ठीक है बहरहाल, लेकिन यार बहुत सारी टैलेंट कहाँ छुपा हुआ था? ये टैलेंट, ये हमने बोरी के नीचे सर, टैलेंट छुपता नहीं है, टैलेंट जरूर आता जरूर है सामने। की सर जितना दबाओगे उतना उछले, तो ये टैलेंट सामने आ गया, इसे अपना रास्ता बनाकर बाहर आ, बिल्कुल सर। और सर चोरों को कभी रास्ता बनाने मत दीजिएगा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हमारी यही इल्तिजा है आपसे भी, और अल्लाह हमेशा आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह हमेशा आपके साथ है, और हम भी कोशिश करेंगे हम भी आपके साथ रहे। जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप दोनों हजरात? जी जी, किसी को बस कर दो, बस कर दो, बस बहुत हो गया। एक पैगाम जो आजकल के हवाले से है, और मेरे ख्याल जो ज़र्ब अज़्म वाला सिलसिला हमारा चल रहा है, जी जी, तो पूरी कौम के लिए पैगाम है कि कौम जो है वो इस मौके पर ज़रूर मुत्तहिद रहे और अपने अंदर इंतशार फैलाने की बात ना करें, ना करें, बस कर, बस कर दो, बस ये कह दो, जी ठीक है, जी जी, झूठ बोलना बस कर दो जी, बस। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात की है, और जी शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया जिया जी, आपका शुक्रिया अहमद चुनाय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार, म्यूजिशियन हजरात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद चुनाय साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की, ज़र्बे अज़्म इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें हम पाक फौज के साथ हैं, और इसके अलावा जिस तरह से फ़लस्तीन में गज़ा पे जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहे हैं और मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, इस वक्त तमाम मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होने का वक्त है। इस वक्त आपस में मुत्तहिद हों, ये मत देखें कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, आपस में मुत्तहिद हों, पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, सबका बहुत ख्याल रखें। बरकत उज़्ज़मी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।